देखो पिछले साल तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, अकार्बनिक रसायन, और इस बार भी पढ़ेंगे हम कार्बनिक, ऐसी है ना। तो कार्बनिक रसायन में पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी जो काम जरूरी है वो है ना फॉर्मूले याद होना। वैसे फॉर्मूले कितने याद है तुम लोगों को, कुछ याद है अभी? और मैं ज़्यादातर पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो पता लगेगा कि कैसे मतलब केमिस्ट्री पढ़ते हैं आराम से। तो पहले तो थोड़ा ये कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तुमसे, ज़रा ये बताओ इनऑर्गेनिक पढ़ रखी है तुमने, सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब बेसिक, वो जो हाई स्कूल में पढ़ के आते हैं बच्चे, मगर पता चल जाएगा मुझे कि हाँ कितना आ रहा है तुमसे। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बता दूँ, सल्फ्यूरिक एसिड तुम बताओ। हाँ लॉकडाउन में तो देखो हालत खराब हुई बच्चों की, तुम बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला किससे आता है? अच्छे ही किसी को भी नहीं आता, चलो ये भी पता चला। अच्छा मीथेन देखो हाई स्कूल में भी पढ़ते हैं हम, और यहाँ भी पढ़ेंगे इंटर में भी होगी, तो मीथेन का फॉर्मूला बताओ। एथेन का, इथाइल अल्कोहल का, हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं मिथाइल अल्कोहल, नाम तो सुनने लग रहेंगे सबको, मिथाइल अल्कोहल नहीं मतलब जीरो है, मैं ये मान लूँ फिर इसका मतलब, जब ये मतलब फॉर्मूले की बेसिक बात है, जब फॉर्मूले नहीं पता तो मैं जीरो मान के चल रहा हूँ, समझ गए। तो आज तो तुम्हें देखो, मैं एक बार कल तुम किताब जब एक स्टूडेंट ही आना, सिर्फ एक दिन के लिए, डेली नहीं लानी है, सिर्फ मुझे ये देखना है कि कुछ कम तो नहीं हुआ जो पहले था, चार साल पाँच साल पहले वही सिलेबस या कुछ कम हो गया है, क्योंकि मुझे सुनने में आई थी कि 30% सिलेबस कम हो गया, तो वो मुझे एक बार क्लियर पता चल जाएगा उस हिसाब से, फिर अगले दिन तुम्हें फिर घर पर रख लेनी है, अब कुछ लाने नहीं है, मैं अपने उससे ही पढ़ाऊँगा इस तरह से, ठीक है। तो आज हम कुछ फॉर्मूले ही बताएंगे तुम्हें, आज के बच्चे तलसी दो कितने और आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए आज कुछ स्टार्ट नहीं करूँगा, जो बेसिक फॉर्मूले में समझा समझा करके कुछ सिखा देता हूँ। देखो जैसे मुझे पुराना सिलेबस ही याद है, फॉर्मूले कुछ लिख लेते हैं, अगर हम सबसे बात पहले बात करेंगे तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है, याद है? जब तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार पढ़ा हुआ है, हाई स्कूल में पढ़ते हैं हम इसको मीथेन, ठीक है। तो आज तो हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो केमिस्ट्री पढ़ोगे चाहे फिजिकल में फॉर्मूले की जरूरत पूरी ऑर्गेनिक और एरोमेटिक केमिस्ट्री पूरी फॉर्मूलों पर बेस्ड है, फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे तो पहले रिएक्शन कैसे कर लोगे बताओ। तो आज पहला दिन है, बच्चे भी और भी जो अगर का वो भी आएंगे तो कल से हम कर लेंगे, आज तुम्हें फॉर्मूले ही बताता हूँ उसके। पहला फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? इथेन का, मतलब मीथेन का, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? इथेन C2H6, ये किसका फॉर्मूला हो गया? एथेन का, नाम भी लिखते चले, इंग्लिश में लिखते हिंदी में, हिंदी में लिखते, ये हो जाएगा हमारा मैथ, ठीक है। और ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हम लिखेंगे एथिलीन का, एथिलीन का फॉर्मूला याद आ रहा हो तो C2H4, तुम्हें याद है शायद C2H4, इसको हम क्या बोलते हैं? एथिलीन, ठीक है। देखो अब मैं इसका एक तरीका और बताता हूँ तुम्हें लिखने का, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा तुमने CH2। अब देखो कार्बन कितने यहाँ पर, भाई ये तो समझते होगे C4 कार्बन H4 हाइड्रोजन, ये तीनों ने भी पिछले साल भी, लेकिन लॉकडाउन में पढ़ा ही कहाँ हुआ, ना बच्चे स्कूल जा पाए ना कोचिंग ही चल पाए, तो कहाँ से पढ़ेगा हमारा। देखो सी कितने? दो, और एच कितने? चार। अच्छा संयुक्तता के बारे में क्या जानते हो? बैलेंसी, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं हम संयुक्तता। मैं बता दूं तुम ये सोच रहे हो कि डबल बॉन्ड कैसे आ गया यहाँ पर, ये बात आनी चाहिए दिमाग में, ये डबल बॉन्ड कैसे आ गया, ये इनऑर्गेनिक जब तुम पढ़ते अच्छे से फर्स्ट ईयर में तो तुम जानते कि संयुक्तता क्या होती है। चलो मैं यहीं पर बता देता हूँ, देखो एक दिन में तो सब पेट में नहीं भर लेगी चीज़ें, बहुत आराम से पढ़ेंगे, लेकिन हाँ इतना है मैं गारंटी से कह सकता हूँ, रेगुलरिटी यहाँ पे एक घंटा याद दोगे, एक घंटा तुम घर पे दे देना, एक मेरे सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट खुद पता चल जाएगा। फिलहाल मैं इसकी बात करता हूँ डबल बॉन्ड कैसे आ गया, एक बात याद रखना कार्बन की जो संयुक्तता होती है कितनी होती है? चार। कितनी होती है? चार। संयुक्तता, संयुक्तता मतलब बॉन्ड से मतलब है, यानी जैसे मीथेन है,
अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं मीथेन का CH4 का, इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर ये बनेगा, संरचना ये बनेगी। मतलब कार्बन कितने बॉन्ड से, चार बॉन्ड से, एक दो तीन चार, ये चार बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए कार्बन की संरचना कितनी हुई, चार। तो याद रखना, अब संयुक्त सबकी अलग अलग होती है, जैसे जैसे आज की जाएगी बात मैं बताते चले जाऊँगा। तो कार्बन की संयुक्त चार, अब इसी से मैं देखो इसको प्रूव करूँगा क्योंकि मैंने इसको ऐसे क्यों लिख दिया। अब देखो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, एक बात क्लियर होगी, कार्बन की संयुक्त कितनी होती है, चार होती है। बात अब देखो इसको खोल लेते हैं, कार्बन कितने हैं, दो कार्बन को मैंने ऐसे लिख दिया। देखो अब ये बॉन्ड बीच में होती है भाई, हमारा अगर बॉडी भी तो हड्डियों में जुड़ा हुआ है, जोड़ों से तो जुड़ा हुआ है, ऐसे ही जो कंपाउंड होते हैं ये भी आपस में किसके द्वारा, बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं आपस में, किसके द्वारा, बॉन्ड के द्वारा। जैसे कार्बन को तो हमने कार्बन जोड़ी थी, एक कार्बन लिया गया बॉन्ड खींचा और एक कार्बन। हाइड्रोजन कितनी है हमारे पास यहाँ, चार हैं। अब चार हाइड्रोजन को चलो एक मैंने इसके साथ लगा दिया, एक इसके साथ लगा दिया, दो हाइड्रोजन और बचे, एक मैंने इसके साथ लगा दिया, एक इसके साथ लगा दिया। अब जरा सिर्फ मुझे इतना बता दो कि इन ये कार्बन और इस कार्बन की संयुक्त इस समय कितनी है, वैसे तो चार होती है, इस कंपाउंड में जो मैं लिख करके स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ इसमें इस समय कितनी है, दो नहीं हो रही है, गिन लो, एक दो और तीन, इस कार्बन की गिन लो, एक दो और तीन। मतलब प्रत्येक कार्बन की संयुक्त कितनी कितनी है इस समय, तीन तीन। लेकिन होती कितनी है, होती कितनी है, सही चार होती है। तो चार करने के लिए क्या मतलब हुआ, एक बॉन्ड और लगा दो उसके बीच में। अब गिन लो जरा, एक दो तीन चार, इसकी गिन लो, एक दो तीन और चार, इसकी भी चार हो गई और इस कार्बन की भी चार हो गई। तो ये समझ में आ गई इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड अगर लगा रहे हो CH2 CH2 के बीच में, C2H4 में तो जरूरत नहीं है, मोलिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस समय यहाँ पर कार्बन की संयुक्त कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी, जब होती है चार। तो इसलिए हमारे, और मैंने प्रूव करके तो नहीं है, क्लियर। इसका नाम होता है, क्या होता है, एथिलीन। एक जनरल बात इससे रिलेटेड में एक बात और बता दूं तुम्हें, कभी कभी जैसे ही तुम्हारा इंटर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम की तैयारी करोगे, तो जब एग्जाम की तैयारी होती है तो क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल तरीके से जो फलों को पकाते हैं उस फल को पकाने के लिए किस कंपाउंड का, किस केमिकल का यूज किया जाता है। तो आर्टिफिशियल तरीके से अगर पकाते हैं तो मैथिलीन गैस का उपयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए, आर्टिफिशियल। तो एक तरीका तो हो गया कि पेड़ पर पक रहा है फल, जैसे आम का, आम पेड़ पर ही पका, लेकिन कहाँ मिल रहे हैं, नेचुरल तरीके से पके हुए फल मिल रहे हैं क्या, कच्चे तोड़ लेते हैं, और आम भाषा में गाँव में कहते हैं पाल लगा दिया भाई। तो पाल लगाना जो है, या तो कार्बाइड कंपाउंड रहता है, कार्बाइड लगा दिया या फिर ये गैस लगा दी, तो वो जो फल है जल्दी पक जाता है, क्लियर है। तो ये बेसिक बात है कि आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए जिस कंपाउंड का, जिस यौगिक का उपयोग करते हैं उसका नाम है एथिलीन। अभी पूछा था एग्जाम में, ठीक है। अब अगला एग्जाम की बात करते हैं, अगला है फॉर्मूला C2H2। क्या है, C2H2, नाम है इसका एसिटिलीन। अगर मैं इसका भी स्ट्रक्चर करूँ, जैसे मैंने ये लिखा, अगर मैं वैसे ही इसको लिखूँ तो कैसे लिखूँगा बताओ, ऐसे लिखते हैं भाई, C कितने, दो 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 लगा दिया, और H कितने, दो दो, तो एक H इसके साथ दे दो एक। अब ये बता दो कौन कितने लगा दो, मैं अगर तुमने जिस लड़के ने ये बात बता दी मुझे इसके अंदर कितने बॉन्ड लगा दो, तो कंसेप्ट उसको तो क्लियर है, और जिसने नहीं बता पाया उसको फिर क्लियर नहीं। सोच सोच के बताओ, जैसे यहाँ पर दो बॉन्ड लगाए हैं, यहाँ पर मुझे कितने बॉन्ड लगाने,